देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। कोरोना महामारी के चलते लोगों को पेड़ों का महत्व पता लगा है। हालांकि कुछ लोगों के जहन में पहले से ही वनों और पेड़ों का काफी महत्व है, तो उन्हें जब जहां जैसा भी समय व स्थान मिलता है वे वृक्षारोपण कर वीरान बंजर पहाड़ी को भी हरा भरा बना देते हैं। ऐसे ही कुछ नजारा खाचरोद के नवोदय विद्यालय पुरानबाद में देखा गया। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। प्रकृति के पर्यावरण संतुलन में पेड़ों की इम्पोर्टेंट को कोरोना त्रासदी ने सबको बता दिया। कुछ इंसानों में वन व पेड़ों का महत्व पहले से ही अपने जहन में होता है। उन्हें जहां जब जैसा समय और स्थान मिलता है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाते हैं और वीरान बंजर पहाड़ी पर भी हरियाली चादर बिछा देते हैं। ऐसा ही नज़ारा नवोदय विद्यालय बुरानबाद खाचरोद में देखा गया, जो कि 2015 के पूर्व पहाड़ी क्षेत्र था। आज यहाँ 32 एकड़ ज़मीन पर देश का सबसे सफल केंद्रीय नवोदय विद्यालय स्थापित है, जहाँ ज़मीन, भवन, मैदान, बच्चे, स्टाफ और उनकी पढ़ाई देश भर में हर क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में उभर कर सामने आई है। इन सबके पीछे विद्यालय के प्राचार्य श्री के बी गुप्ता की मेहनत और लगन कार्य कर रही है। गुप्ता जी का प्रकृति से जुड़ाव देखने में जब आता है, जब वहाँ एक पेड़ था, धीरे धीरे बंजर भूमि पर हरियाली चादर बिछा दी। इस प्रेम से समर्पित नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र जो शासकीय सेवाओं में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, संघ में प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, स्कूल स्टाफ, परिवार सदस्यों ने 200 पेड़ लगाए। मीडिया से चर्चा करते हुए कोरोना महामारी जैसे प्रकोप से बचने के लिए मानव समाज को पर्यावरण सुरक्षा और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। वृक्षारोपण कार्यक्रम आपने किया है, जिस तरह से देश में और पूरे जंगलों के जंगल साफ होते जा रहे हैं और आप एक जंगल एक बना रहे हैं वृक्षों को लगा के, क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं आप? समाज के प्रति हमारी एक धारणा अच्छी हो, समाज को फ़ायदा मिले हमारे कामों से, ये मेरी धारणा है। मैं समाज के लिए समर्पित हूँ पूर्णकालिक रूप से, मेरा एक उद्देश्य है। समाज को जो मेरे द्वारा फ़ायदा हो सकता है मैं समाज के लिए करने के लिए तत्पर हूँ। हाँ सर, ये जो नवोदय विद्यालय के अंदर आपने एक अच्छा लंबा खासा समय व्यतीत किया है और वो वृक्षा को लेकर भी किया और वो बच्चों को लेकर भी किया, कब स्थापना की और किस तरह से आपने इस बंजर भूमि को आपने उपजाऊ बनाया? ये विद्यालय 2009 का सेंक्शन हुआ है और इसमें अपने विधायक जी, वर्तमान विधायक हैं दिलीप जी गुर्जर साहब, उनका इस जगह भूमि का दिलमाने में उनका बड़ा योगदान है। इसके बाद में माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के द्वारा इस ज़मीन के लिए CPWD को एजेंसी नियुक्त कराना थावरचंद जी ने कराया, प्रयास किए, दिलीप शेखावत जी ने एजेंसी पत्र लिखे हमारे मंत्रियों को कि केवल और केवल CPWD को एजेंसी, ये इसके कारण ये विद्यालय बहुत ही कम समय में, मतलब भारत में पहला विद्यालय होगा जो इतने कम 2 साल में ये 3 फेज में कंप्लीट हुआ। 2015 से हुआ, 2017 तक कंप्लीट हुए विद्यालय हुआ है, ये रिकॉर्ड समय में, ये केवल हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कारण हुआ है। सर, यहाँ के पता चला है कि आपके द्वारा पढ़ाए बच्चे नवोदय विद्यालय अच्छे शासन के पद पर काम कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। अभी हमारे पर वर्मा वो थे, हमारा स्टूडेंट पुष्पिन था, वो IAS था, ये अभी आए नीलेश, संजीव, ये इंदौर के बड़े बड़े चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हैं ये हमारे। ये जो भावना आपके अंदर पेड़ पौधों को लेके, ऐसी भावना उन बच्चों में भी है? बच्चों में, बच्चे ये आज जो 200 पौधे ला रहे हैं ये बच्चे ही लेके आए, मैंने नहीं लिए, मैंने तो केवल व्यवस्था की है पौधों की, व्यवस्था में लगवा रहा हूँ मैं तो, केवल बाद बाकी बच्चों को खरीद के इंदौर से अपना अपना समय पैसा खर्च करके मेरे विद्यालय के लिए आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम समर्पित हैं समाज के लिए, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के काम न करके समाज के लिए समर्पित हैं, ईश्वर ऊपर वाला सब कुछ दे। मेरा नाम सुरेश नागर है। यहाँ बताया गया कि आप नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। हाँ, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ और मैं मूलतः राजगढ़ जिले से हूँ, लेकिन सर के संपर्क में था, सर ने मुझे बोला तो मैं तुरंत जो है वो यहाँ पर मैं वृक्षारोपण के लिए आया हूँ। मैं भी वर्तमान में तहसीलदार हूँ और बंडर पदस्थ हूँ। सर, ये जो वृक्षारोपण लेके देखने के, अभी अभी कोरोना महामारी गई है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी और बता रहे थे कि पेड़ कट गए हैं, पेड़ कट गए और अपन एक पेड़ लगा रहे हैं, इस तरह से पेड़ लगा के पौधों को बड़ा करके पेड़ बनाएंगे और ऑक्सीजन एक प्राकृतिक ऑक्सीजन अपन उत्पन्न करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता में? निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो निश्चित ही हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। कोरोना काल में जो हमने दूसरी लहर में जो
भयंकर त्रासदी देखी है उस समय हमने इसकी कीमत और भी पहचानी है। मैं आपके माध्यम से समाज को, जनता और सब लोगों को जो है वो ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और हमारी धरती को बचाएं। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।